नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी में थोड़ी मैं आपको होम्योपैथिक के विषय में बताऊंगा। होम्योपैथिक चिकित्सा के अंदर एक ऐसी चिकित्सा है कि वो सारी एक यकीन के ऊपर कायम है, एक विश्वास के ऊपर कायम है। अब सब दवाओं का टेस्ट एक और सब दवाओं का रंग भी प्राय डाइल्यूशन जो होते हैं उनके सब के रंग एक और टेस्ट एक, मदर टिंचर्स में रंग के फर्क होते हैं। तो यूट्यूब के अंदर जो आजकल कई जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनके भगवान की दया से अच्छे सब्सक्राइब्स हैं और वो पढ़े लिखे हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन कुछ दो तीन होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसे हैं जिनको 6-7 साल हो गए और वो सबसे बड़ी जो गलती समझिए या जो भी समझिए, ऊपर जो टाइटल देते हैं कि अब इस रोग से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं या इसके दवा मिल गई है, तो टाइटल को देख करके हर कोई उसके वीडियो को ओपन करता है और ओपन करने के बाद में जो टाइटल है वो तो जाने कहाँ गया और दूसरी बकवास। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये काम उनका है जो और तरह के वीडियो अपलोड करते हैं। एक चिकित्सा संबंध के अंदर इस तरह का टाइटल देना कि जैसे मान लो मैं दे दूं कि सेक्स की 1000% गारंटी की दवा, लेकिन ऐसे टाइटल नहीं देने चाहिए। कम से कम जो चीज़ आप दे रहे हो उसी का ही टाइटल के ऊपर लिखें, बाकी इस तरह के टाइटल नहीं दें। एक डॉक्टर ने दिया, हमने 2-3 बार उसके पढ़ा, वो उसके अंदर बिल्कुल वो चीज़ नहीं। और वो डॉक्टर ऐनक लगाता है, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरा बेटे के समान है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मैंने उसको सब्सक्राइब करके और उसके कमेंट्स में लिखा कि ये आप इस तरह क्यों करते हैं, इसका मेरे को रिप्लाई करो। एक नहीं 2 बार मैंने लिखा, दोनों बार रिप्लाई नहीं किया। अरे रिप्लाई तो करना चाहिए, कम से कम 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 हफ्ता में, 10 दिन में। कमेंट तो सभी देखते हैं, रिप्लाई तो करना चाहिए। तो इस तरह के जो होम्योपैथिक के अंदर हैं अथवा जो आयुर्वेदिक के अंदर हैं उनको इस तरह के टाइटल नहीं देने चाहिए। एक थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। ठीक है, अपना प्रोडक्ट कोई बेचने के लिए या अपनी प्रैक्टिस को कोई चलाने के लिए इस तरह का एक लुभावना वो देते हैं, तो देखो सब कुछ करना होता है इंसान को, लेकिन जितना आटे में नमक चलता है ना वही चलेगा। अब आप पूरा ही आटे में नमक घोल दो तो वो एक चलने वाली बात नहीं। तो मैं सभी होम्योपैथिक भाइयों से और सभी आयुर्वेदिक के चिकित्सकों से और जो भी घरेलू प्रयोग बताते हैं बड़े बुजुर्ग, सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो इस तरह के गलत टाइटल न दें। ये काम गलत टाइटल देने का मीडिया का है अथवा जो छोटी छोटी न्यूज चैनल जिनका कोई सिर न पाँव, जिंदे को तो वो 4 बार मार देते हैं और मरे हुए को दिन में 4 बार जिंदा कर देते हैं। तो ये काम उन लोगों का है। आप लोग डॉक्टर हैं और डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है और रोगी वीडियो खोलता है कि इसमें शायद मेरे मर्ज की दवा मिल जाए और फिर बाद में सिर पीट लेता है कि जो लिखा था वो तो है ही नहीं।
तो इस तरह की बात मैं अनुरोध करके कहता हूँ, विनय करके कहता हूँ और सब तरह से नम्रता से कहता हूँ कि ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं चिकित्सा के अंदर। चिकित्सा को थोड़ा आप महत्व दें। एक रोगी आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, आप डाइल्यूशन की दवाई बना के देते हैं, अब डाइल्यूशन डालते हैं या एल्कोहल डालते हैं कोई पता नहीं, ये सब काम विश्वास के ऊपर होता है। आप क्यों डालेंगे? दूसरी चीज़, आप क्यों डालेंगे? आपकी दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी। आप जो दवा बना के देंगे, अगर रोगी को लाभ नहीं हुआ तो आपकी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह ये पूरा ही काम होम्योपैथी का तो कम से कम यकीन पे है, इसलिए इस यकीन को तोड़ने की कोई कोशिश न करें, ये मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ मैं सभी डॉक्टर्स हैं कि यकीन को न तोड़ें, यकीन बना रहना चाहिए। दोस्तों, किसी को बुरा लगे या लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो सत्य बात है उसको कहना बहुत आवश्यक था, मैंने आपको कह दिया।